Hi, this is Diksha Dhami and you are watching me on Bazook. वो मजाक था। आपकी शक्ल देखने वाली थी, आप ऐसा लग रहा था जैसे आपको सांप सुन गया हो। और आपका दिल तो बड़ा ही नाजुक है बाजी, मैं मालूम नहीं था, माफ कीजिएगा। भगवान ने बड़ी देर बाद हमें ऐसा कोई इंसान दिया जो हमारा अपना, हम किसी अपने को तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए हम बहुत डर गए थे। तुम शायद जानते नहीं हो राघव, लेकिन तुम हमारी दुनिया, आइंदा हमारे साथ ऐसा मजाक मत करना। हाँ जी, एक्चुअली जो ये अभी सीन चल रहा है तो रेवा और राघव की जो स्टोरी है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न आया है। जैसे कि ऑडियंस को चाहिए था रेवा राघव एक हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इनका भाई नोकझोंक और जो भी सीन है हम लोगों के बीच के बहुत पसंद कर रही है ऑडियंस, तो उनके लिए अभी देखिए रेवा राघव एक तो हो गए हैं, चीज़ें अभी क्रिएट हो रही है। नाउ इट्स टाइम टू कि फैमिली के साथ वो दोनों कैसे एडजस्ट करते हैं या फैमिली के साथ रेवा कैसे एडजस्ट करती है, क्या स्टोरी में टर्न आता है। यू नो, एक एक लेयर हर एक कैरेक्टर की अभी खुल रही है, तो अब फैमिली में इन्वॉल्व हो गए हैं सब लोग, तो अभी जो राघव है उसके लाइफ में कुछ तो ऐसा आने वाला है जो आपको 6:30 बजे जो मैंने कहा वो देखना पड़ेगा कि क्या आने वाला है। तो जी, तो वही सीन चल रहा है अभी, इंटेंस सीन है कुछ, थोड़ा सा या वी कैन कॉल इंटेंस सीन चल रहा है। तो बस यही चीज़ है, थोड़ा सा ट्रस्ट है, थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा कुछ है, थोड़ा कुछ है, तो सारी चीज़ें अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेवा और राघव से लोग ना ऑब्सेस हो गए। हाँ, मुझे तो साथ में देखना उनको बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी जब आपका इंटरव्यू डाला ना तो नीचे कमेंट सेक्शन, अरे वाह सो क्यूट, क्या जोड़ी, यस यही चीज़ जो मैं कह रही हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि हम दोनों को पता नहीं, वो होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ एक्चुअली कहते हैं किस्मत में लिखी होती है, चाहे कोई शो की किस्मत बोल ले या कोई होता है कि हमें भी खुद कितने प्यार होते हैं जो हमें पसंद आ जाते हैं कि यार दे लुक गुड टुगेदर। तो राघव रेवा की जोड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं एक्चुअली लोग, मैं भी जब देखती हूँ या कोई व्लॉग डालता है, कोई कुछ डालता है, वो वीडियो शॉर्ट्स जब देखती हूँ तो लोग इतना पसंद कर रहे हो। गाइज सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल फील होता है और खुशी होती है कि यू नो कि आपको पसंद कर रहे हैं इतने सारे लोग, आप लोगों को तो ऑफ कोर्स, बट उसके लिए तो अब किस्मत क्या आगे होता है। यस, थैंक यू।